हाय फ्रेंड, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमए कोर्स 2022 के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज आपका सिंगल क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन बटन गिव मी लॉट्स ऑफ मोटिवेशन। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे। इसके अलावा आप मेरे साथ लिंक्डइन पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं बहुत सारी जॉब वैकेंसीज अपडेट करते रहता हूँ। एंड आप वहाँ पे मेरे से डाउट्स भी अपने पूछ सकते हो। लिंक्डइन पे जाना है आपको, सेम में रोहन शर्मा सर्च करना है, एंड देन यू विल गेट मी, एंड जस्ट क्लिक ऑन कनेक्शन बटन एंड यू विल गेट कनेक्टेड विथ मी। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड मैं बात करता हूँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएमए कोर्स 2022 के बारे में। इस वीडियो को मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किए। जैसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं सीएमए इंस्टीट्यूट के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। इसके बाद मैं सीएमए कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, और सीएमए कोर्स की रिकॉग्निशन, एंड लास्ट में हम बात करेंगे कैंपस प्लेसमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इंस्टीट्यूट के बारे में। तो सीएमए इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन 1959 में हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में सीएमए इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन हुआ है। इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको हैंडल करता है। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सीएमए इंस्टीट्यूट वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। मोर देन 90,000 क्वालिफाइड सीएमए है जो मार्केट में, इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, इंडिया में, और इंडिया से बाहर भी काफी सारे सीएमए जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मोर देन 5 लाख रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है जो सीएमए कोर्स में इनरोल है, फाउंडेशन एंड इंटर फाइनल लेवल पे। एंड इसके बाद अगर हम बात करें सीएमए इंस्टीट्यूट के चैप्टर्स एंड रीजनल सेंटर के, तो 4 रीजनल सेंटर है, जिसमें से एक दिल्ली है हमारा, कोलकाता हमारा हेड ऑफिस है, इसके अलावा चेन्नई में है और मुंबई में है। और अगर हम कुछ चीजों के ऊपर बात करें तो हम इसके अलावा सीएमए इंस्टीट्यूट का इंडिया एंड इंडिया से बाहर भी ओवरसीज सेंटर्स है। लाइक अगर आप बात करो कनाडा हो गया या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो गया, यूएसए में भी सीएमए इंस्टीट्यूट के सेंटर्स है। इंडिया में अक्रॉस द इंडिया मोर देन 112 सेंटर्स है। सो हो सकता है कि आप जिस स्टेट में हो, जिस सिटी में हो, वहां पे भी सीएमए इंस्टीट्यूट का चैप्टर हो, आप वहां से भी जाके अपने सीएमए कोर्स में इनरोलमेंट करवा सकते हो। इसके अलावा मोड ऑफ स्टडी यहाँ पे दो होती है, एक तो आपका ओरल स्टडी मोड होता है, एक पोस्टल स्टडी मोड होता है। उसके लिए हम अलग से एक डिटेल वीडियो हम बनाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। अगर आप सीएमए कोर्स में आना चाहते हो तो आप 10th पास आउट होने के बाद ही आप सीएमए कोर्स में आप इनरोल करवा सकते हो। लेकिन जब आप अपनी क्लास 12th पास आउट हो जाते हो तभी आप सीएमए फाउंडेशन का पेपर दे पाओगे। सीएमए फाउंडेशन ये फर्स्ट लेवल है सीएमए कोर्स का। जब आप सीएमए फाउंडेशन क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आप सीएमए इंटरमीडिएट में आप आ सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू भी सीएमए इंटरमीडिएट में आ सकते हो। अब डायरेक्ट एंट्री रूट है क्या, जैसे जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, वो डायरेक्टली विदाउट फाउंडेशन दिए हुए सीएमए इंटरमीडिएट में इनरोल हो सकते हैं। तो सीएमए इंटरमीडिएट में आने का दो तरीका है, या तो आप फाउंडेशन से आ सकते हो या फिर आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन से आ सकते हो। फिर बात करते हैं सीएमए फाइनल की। तो सीएमए फाइनल में आने के लिए आपको सीएमए इंटर क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रूट नहीं है सीएमए फाइनल के लिए। अब हम बात करते हैं, ये हो गई हमारी एलिजिबिलिटी के लिए, अब बात करते हैं एडमिशन के लिए। देखो सीएमए कोर्स में 2 बार एडमिशन होता है। एक तो आप अगर आपको जून में पेपर देना है तो आपके लिए 31 जन लास्ट डेट होगा। अगर आप दिसंबर में पेपर देना चाहते हो तो 31 जुलाई आपके लिए लास्ट डेट ऑफ एडमिशन होगा। एंड इसके अलावा कुछ अब हम बात करते हैं कोर्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो देखो सीएमए कोर्स में फाउंडेशन लेवल पे 4 सब्जेक्ट है, इंटरमीडिएट लेवल पे 8 सब्जेक्ट है, एंड फाइनल लेवल पे भी 8 सब्जेक्ट है। अब फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है तो वहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, वहाँ पे आपको सिंगल है, आपको सीधे फाउंडेशन का पेपर देना है। 4 सब्जेक्ट में आपको 400 out of 200 marks ला के आपको फाउंडेशन पास करना है। बात करते हैं इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे 2 ग्रुप है, 4 4 सब्जेक्ट्स की 2 ग्रुप बनाई गई है। आप एक एक ग्रुप का भी पेपर दे सकते हो या बोथ ग्रुप का पेपर आप एक साथ दे सकते हो। एंड यहाँ पे आपको अगर आप बोथ ग्रुप का पेपर देते हो तो आपको 400 मार्क्स लेके आना होगा आउट ऑफ 800। अगर आप सिंगल सिंगल ग्रुप का पेपर दे रहे हो तो आपको 200 मार्क्स लेके आना होगा। फाइनल में भी सेम है, फाइनल में भी 2 ग्रुप है, आप दोनों ग्रुप का पेपर एक साथ भी दे सकते हो या फिर आप अलग अलग दे सकते हो। टोटल सीएमए में फाउंडेशन इंटर फाइनल मिलाकर टोटल 20 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स के ऊपर है, हम सब्जेक्ट्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है। अगर इस वीडियो को हम बनाए तो बहुत ज्यादा वीडियो भरी हो जाएगी। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो सीएमए कोर्स में 2 ट्रेनिंग है,
दो, एक ट्रेनिंग आपकी इंटरमीडिएट लेवल पे है और एक ट्रेनिंग आपकी फाइनल लेवल पे है। इंटरमीडिएट में जो आपकी ट्रेनिंग है उसके अंदर आता है एसएपी फाइनेंस, पावर यूजर ट्रेनिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेनिंग, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग आती है एंड ई फाइलिंग ट्रेनिंग आती है। ये ट्रेनिंग का ड्यूरेशन अप्रोक्स 120 आवर्स का आपका हो सकता है। इस कोर्स को करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा आपकी आईटी स्किल इंप्रूव हो जाएगी एंड आपको जॉब में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ये मैंडेटरी ट्रेनिंग है जो आपको इंटर लेवल पे करना है। इसके अलावा अगर फाइनल लेवल पे आते हैं तो आप इंटर क्वालिफाइड करने के बाद आपको फाइनल लेवल पे दो मैंडेटरी ट्रेनिंग है। एक तो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 7 डेज का होता है एंड उसके बाद एक और ट्रेनिंग है जो आपको 15 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करती है जिसको हम इंटर्नशिप बोलते हैं या फिर आप आर्टिकलशिप बोल दो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोल लो, वो हम फाइनल लेवल पे करते हैं। फाइनल लेवल पे दोनों ट्रेनिंग मैंडेटरी, अगर आप नहीं करोगे तो फाइनल के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। सेम इंटरमीडिएट की जो ट्रेनिंग है वो इंटरमीडिएट लेवल पे मैंडेटरी है। अब बात करते हैं सीएमए कोर्स की रिकॉग्निशन के ऊपर। सो सीएमए कोर्स, जो भी स्टूडेंट सीएमए फाइनल क्वालिफाइड हो जाते हैं वो इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएट के इक्वालेंट हो जाते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा यूजीसी नेट कहती है। यूजीसी नेट ने रिसेंटली ही लास्ट ईयर में सीएमए क्वालिफाइड को इक्विवेलेंट ट्रीट किया है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और आप डायरेक्टली यूजीसी नेट का पेपर दे सकते हो प्रोफेसर के लिए या फिर आप कोई भी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जहां पे पोस्ट ग्रेजुएट मेंशन है, अगर सीएमए मेंशन नहीं है तो भी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए तो यूरोपियन कंट्री एंड जो हमारी यूएई है यानी अरब का जो भी हमारी कंट्रीज है वहाँ पे सीएमए क्वालिफिकेशन में जो भी सीएमए इंटर क्वालिफाइड है उनको ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट ट्रीट किया गया है और जो सीएमए फाइनल क्वालिफाइड है वो पोस्ट ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट ट्रीट किया गया है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, वहाँ के जो रिस्पेक्टिव बॉडी है उसको आपको अपनी मार्कशीट, आपको सीएमए की सर्टिफिकेट आपको सबमिट करनी है, देन वो बॉडी आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी जिसमें मेंशन होगा कि आपके क्वालिफिकेशन हमारे यहाँ इस क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट है एंड उसके बेसिस पे आप वहाँ पे जॉब के लिए या फिर आप फर्दर स्टडीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कैंपस के लिए जॉब के रिगार्डिंग। तो सीएमए कोर्स में दो टाइप्स के आपके पास ऑप्शन है, एक तो आपको इन कैंपस प्लेसमेंट जो आप रिसेंटली जब भी आप सीएमए क्वालिफाइड करोगे उस अटेम्प्ट में आपको कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है ऑफ कैंपस, अगर आप कैंपस में नहीं जाना चाहते हो या फिर आप कैंपस में जाते हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप ऑफ कैंपस में भी आप ट्राई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कैंपस में अगर आप जाते हो तो आपको क्या पैकेज मिल सकता है। सो सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में अभी जो रिसेंटली हुआ है लास्ट प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो एज ए फ्रेशर आप 4 लाख से लेकर 27 लाख तक आपको कैंपस प्लेसमेंट में पैकेज ऑफर किया जाता है। अगर मैं ऑफ कैंपस की बात करूँ तो ऑफ कैंपस में भी 4 लाख से लेकर मैक्सिमम 10 लाख तक आपको पैकेज मिल सकता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। सो अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें सीएमए के लिए तो सीएमए के लिए मार्केट में जॉब अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, स्पेशली एमएनसी के सेक्टर में अगर आप देखो जेनपैक, एसेंचर, बीप्रो, इंफोसिस, जो भी आईटी कंपनीज है एंड अदर एमएनसी जो सर्विस प्रोवाइड करती है उन सब में सीएमए की काफी अच्छी वैकेंसी है। एंड एक पॉइंट है, एक निगेटिव पॉइंट सीएमए कोर्स में है जो शॉर्ट टर्म पॉइंट है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम का है। उसके अलावा अगर मैं और भी कुछ भी पॉइंट देखूं तो मुझे कहीं कुछ निगेटिव नहीं दिखता, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑनलाइन या ऑफलाइन है। अब इसके ऊपर ऑलरेडी मैनेजमेंट के ऊपर बात चल रही है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको इसी टाइप के काफी सारी वीडियोज मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।